इजराइल और हमास की जंग का असर क्या भारत जैसे दूसरे मुल्कों में भी दिख सकता है? दिल्ली पुलिस की सतर्कता से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। गुरुवार रात बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जामा मस्जिद इलाके में पेट्रोलिंग करते नजर आए। वहीं पुलिस का कहना है कि गाजा में इजराइल के एक्शन के बाद उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं, जिसके बाद ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। हमास आतंकियों के हमले के जवाब में अब इजरायली सुरक्षा बलों ने जोरदार पलटवार किया है और गाजा में भारी बमबारी की है। इस वक्त भी गाजा में खूब बमबारी हो रही है। दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर के आसपास की मस्जिद में ही जुमे की नमाज अदा करने को कहा है। उनसे दूसरी जगहों पर ना एकत्रित होने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रात को पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। आगे बाइक सवार और पीछे हथियारों के साथ पैदल चलते पुलिसकर्मियों को देखकर समझा जा सकता है कि किस स्तर की सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक हमने लोगों से अपील की है कि घर के आसपास की मस्जिद में ही नमाज पढ़े और इसके लिए दूर कहीं न जाए। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में चावर हाउस के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी चावर हाउस यहूदी प्रार्थना स्थल है। यहीं पर यहूदियों से जुड़े सभी स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में पहले भी जामा मस्जिद समेत कुछ जगहों पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक देश के कई राज्यों और शहरों में पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि इजराइल में फंसे भारतीयों का दूसरा जत्था शनिवार को नई दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन अजय के तहत दो शिशुओं सहित 235 लोग विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह ने हवाई अड्डे पर लोगों का स्वागत किया। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले एक सप्ताह से जंग जारी है, जिसमें अब तक करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले 212 भारतीयों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुँचा था। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक भारतीय यात्रियों को विमान ने तेल अबीब से शुक्रवार रात 11 बजे उड़ान भरी थी। भारतीय दूतावास ने बताया कि दूतावास ने तीसरे खेम में शामिल लोगों को ईमेल कर जानकारी दे दी है। बाद की उड़ानों के लिए लोगों को दोबारा संदेश भेजा जाएगा। इजराइल के सफेद स्थित इलार यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे भारतीय छात्र सूर्यकांत तिवारी ने इजराइल से उड़ान भरने से पहले कहा था कि इजराइल में खौफ का माहौल है, यहाँ की स्थिति बेहद ख़राब है। इजराइल में हमें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।